ये रंजन और आज की इस एपिसोड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करेंगे, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रिजल्ट रहे उसके बाद आज गिरावट दिखी तो आगे के ट्रेंड को समझेंगे। पिछले वन मंथ के ट्रेंड अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखेंगे तो निगेटिव 8% का ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ से देखेंगे कि काफी स्लो और स्मूथ वेव में स्टॉक -8% हो चुका है। आगे के ट्रेंड क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल इस समय का ट्रेंड दिख रहा है इग्नोर। कब तक इग्नोर, जब तक 92 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आगे इसके चार्ट और न्यूज को देखें, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल अकाउंट ओपन कर लें और दोस्तों में चैनल शेयर करें अगर आपको चैनल पसंद आता है तो। सबसे पहले यहां मैं आपको दिखाऊं कि इस स्टॉक में इंडिविजुअली कुछ भी न्यूज नहीं है। यहां देखेंगे सभी न्यूज कॉमन है, कुछ भी बड़े न्यूज नहीं दिख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के मर्जर होने हैं, तो हमने इस समय आईडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट देखे जो कि काफी वीक रहा था और जिसके कारण इस स्टॉक पर भी थोड़े बहुत प्रेशर दिखे हैं। टेक्निकली अंडर परफॉर्म है, बिल्कुल इस समय इग्नोर करेंगे क्योंकि सेक्टर जो है वो तो पॉजिटिव कर रहा है और ये स्टॉक इस समय निगेटिव कर रही है। अगर यही इसके अपोज ये स्टॉक पॉजिटिव और सेक्टर निगेटिव करता तो फिर ये एक परफॉर्मर स्टॉक होता, हम इसको खरीदते। डिलीवरी बेटर है लेकिन जब तक ट्रेंड में कम से कम इस सेक्टर के ज्यादा, यानी ये 1.96% का ट्रेंड है, अगर पूरे सेक्टर का ये ट्रेंड है तो फिर हमारे स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नियर अराउंड 2% के ऊपर होना चाहिए जो कि नहीं है और हम इसको इग्नोर करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट को देखें, इससे पहले एक बार बीओबी के लेवल्स को देखेंगे। बीओबी स्टॉक मंथली ट्रेंड में भी निगेटिव और सिक्स मंथ में जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव। यहां देखेंगे एक वन साइडेड ट्रेंड तो दिखा लेकिन उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई जिसके कारण जो लेवल यहां देखेंगे जून जुलाई के आसपास था उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा एनपीए और जो कि एनपीए कल हमने आपसे डिस्कस करें। सीईओ के टर्मिनेशन को लेकर के सीईओ ने क्या कहा है उसको सुनेंगे। बीओबी वर्ल्ड ऐप फियास्को बैंक एमडी से सैक सीडीओ हैंड्स क्लेम ही इज नॉट रिजाइन, और उसने कहा कि मैं खुद जो है एग्जिट करके आया हूं। यहां देखेंगे कि वाइल बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी एंड सीईओ देवादत्ता चांद ऑन सैटरडे सेड द बैंक हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट सेवरल ऑफ इट्स स्टाफर इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ डिजिटल ऑफिसर अखिल हांडा बाय टर्मिनेटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द बीओबी वर्ल्ड ऐप फिसे को हैंड्स क्लेम ही हैड रिजाइन। तो ऐसा कहा गया है कि वो उसने रिजाइन करा लेकिन वो बाहर आकर के बोला है कि नहीं, हमको टर्मिनेट नहीं करा गया है, हम खुद ही इसको एग्जिट किए हैं। यहाँ देखेंगे कि वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट अ लार्ज सेट ऑफ पीपल ऑन द फील्ड एज फॉर द चीफ ऑफिसर डिजिटल ऑफिसर इज कंसर्न इट इज एसेंशियल ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग बाय द बैंक। ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ये न्यूज कॉमन न्यूज है, ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। बड़ी न्यूज क्या है, इसके रिजल्ट। रिजल्ट में क्या दिखा कि सेल्स तो इसके बढ़ते हुए दिखे, रेवेन्यू देखेंगे तो हाईएस्ट एवर पे रहा लेकिन जो प्रॉफिट रहा वो हाईएस्ट एवर पे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब हाईएस्ट एवर के प्रॉफिट रहे तब फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका प्लस होगा, इस समय -2% रहा। एनपीए कंपनी के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो थोड़ा कंसर्न रहा जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉफिट माइनस में गए और नेट प्रॉफिट थोड़ा घटा है। इसके साथ ही अगर आगे इस स्टॉक में देखेंगे तो पाएंगे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एज इट इज है, बराबर ही है, लेकिन एफआई ने तो थोड़े प्लस किए लेकिन वही डीआई ने थोड़े माइनस करे हैं और पब्लिक के होल्डिंग्स थोड़े बहुत घटे हैं। अब इसके ट्रेंड डिलीवरी को देखें फिर चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ इस स्टॉक के डिलीवरी को देखें तो डिलीवरी काफी बेटर है, जो अर्लियर डिलीवरी थोड़ा कंसर्न हुआ करता था वो रिजल्ट के बाद जो है डिलीवरी बेटर होते हुए दिखा है। स्टॉक के ट्रेंड देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड स्टॉक के जो इस समय है वो पिछले 3 मंथ से जो ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है, इसीलिए चार्ट के माध्यम से इसको एनालाइज करें। अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ थोड़ा बहुत इसने कंसोलिडेट करा 100 के आसपास और उसके बाद स्टॉक ने 220 तक के लेवल्स टच करे। इस समय देखेंगे ये जो एक ट्रेंड लाइन था ये ट्रेंड लाइन इस समय रेजिस्टेंस बना और प्रोबेबली जैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने देखा 160-150 तक के लेवल्स आपको देख सकते हैं। लॉन्ग तब तक नहीं करेंगे जब तक 220 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो। इस समय मेरे पर्सनल व्यूज निगेटिव हैं और 200 के ऊपर के एसएल को लगा करके, यहां देखेंगे तो इसके एसएल को लगा करके 206 के आसपास का इस स्टॉक में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है
और 160 तक के लेवल्स इजीली दिख सकता है। वही आईडीएफसी में देखा है, जो कि दोनों का चार्ट बहुत कोरिलेट करता है, इसको लेकर के हमने दोनों वीडियो को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया। सेम पैटर्न यहाँ देखेंगे, कंसोलिडेट करा, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, इसके बाद ये जो सपोर्ट था इस पे आकर के रुकेगा, ये एक सपोर्ट है जहां आकर के रुकेगा। इसीलिए हमने कहा कि 68 से 76 के बीच में ही बाइंग करेंगे और टारगेट उसके बाद जो है हमारा 100, 120 और 200 तक के होंगे। लेकिन इस समय ट्रेंड वीक है, एक रिवर्सल का वेट करें, नहीं तो आप इस स्टॉक में फंस सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर करें।